वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ। और आज है संडे और अभी अभी हम चर्च से आए हैं। अभी बज रही है 11:15 और आज बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का चर्च में संडे था, तो उसके लिए दिल्ली से एक स्पीकर आई थी। नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन शी रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट टुडे एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं आज चर्च गई। तो पूरा वीक मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। आई एम रियली हैप्पी एंड फॉर द होल वीक एंड फॉर द होल न्यू वीक टू गेट मोटिवेटेड कि आने वाले वीक में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी कहीं जो कहीं ना कहीं हम जिंदगी में नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो करना ज़रूरी होता है। उससे दिल को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है ना। तो उसने हमें क्या बनाया है, दुनिया के तुम नमक हो और तुम दुनिया की रोशनी हो, तो हमें वैसी बन के रहना है। पार्ट होता है उसको मैंने ले लिया है करीब हैंडफुल।
और ये है 1 kg चिकन, जिसको मैंने अभी सरसों का तेल गर्म करके इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी इसके तेल के अंदर। और यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाया है दही और स्प्रिंग अनियंस हैंडफुल जो मैंने ली हैं वो, और दही को मैंने, और 2 ग्रीन चिलीज़ को, 4 ग्रीन चिलीज़ को मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी इसी में जाएगा। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट पीस लिया है, ये बिल्कुल तैयार है, ये भी इसके अंदर जाएगा। और साथ ही में जाएगा नमक, मिर्ची और हल्दी और पिसा धनिया, और ये 3 ग्रीन चिलीज़ होल ग्रीन चिलीज़ मैं ऊपर से डालूँगी ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। तो चिकन को भूनते हुए हो चुके हैं करीब 5 से 7 मिनट, और इसको मैं अभी और भूनूंगी। और अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगी, अभी टाइम हो गया, इसके अंदर लौंग, इलायची और काली मिर्ची डाल देने का, और इसके साथ मैं इसको भूनूंगी और करीब 5 मिनट और भून कर उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले डालकर इसको पकाना शुरू करूँगी। और यहाँ पर मैंने एक और पैन चढ़ा दिया है क्योंकि मैं बना रही हूँ खट्टा मीठा कद्दू, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी रेसिपी मैं आपके संग अभी शेयर करूँगी, तो आप नोट करते जाइए और ट्राई ज़रूर करिएगा। जो कद्दू है उसके अंदर जाता है ये पचफोरन, जिसको कहते हैं पचकुटा मसाला। इसके अंदर होता है मेथी दाना, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा, राई और थोड़ा सा कलौंजी। ये 5 चीज़ें जाती हैं हमारे कद्दू। मैं तेल सरसों का तेल इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा डालना है क्योंकि कद्दू काफ़ी थोड़ा सा ही है। और इसके अंदर सिर्फ ये बिना लहसुन प्याज का बनेगा, सिर्फ इसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा पिसा धनिया मैं डालूंगी। एक बार मैंने ये मसाले इसके अंदर डाल दिए, उसके बाद मुझे कद्दू डालना है, कद्दू के बाद मुझे इसके अंदर मसाले डाल देने हैं, और सबसे एंड में थोड़ी देर में उसको पकाऊंगी। जैसे ही मेरा कद्दू उसमें गल जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर सबसे एंड में डालूंगी गुड़, और गुड़ से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। चिकन को पकते हुए करीब हो चुके हैं 10 से 12 मिनट, और इस पर इसका प्यारा कलर आ गया है, ऐसा ही कलर चाहिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट करीब 2 से 3 बड़े चम्मच, ये वाला चम्मच का साइज़ मैंने लिया है। और इसके अंदर अब जाएगा नमक, मिर्ची, हल्दी, पिसा धनिया और ये वाला पेस्ट कद्दू। जैसे मेरा जो मैंने छोका तैयार किया था वो हुआ, उसके बाद मैंने इसके अंदर कद्दू डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा धनिया इसका बस, और इसको मैं अच्छे से क्रॉस कर लूँगी और थोड़ी देर पकने दूँगी इसको। अब मैं इसको ढक के पकाऊँगी करीब 2-3 मिनट, उसके बाद मैं इसको खोल दूँगी और फिर गुड़ डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने सारा पेस्ट और एवरीथिंग आई हैव पुट इनटू इट, और अब मैं इसको भूनूंगी। अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज़ है, मुझे इसको कर देना है मीडियम, और उसको मैं भूनूंगी करीब 10 से 15 मिनट, कस के इसको भूनने जब तक तेल आ जाएगा, उसके बाद मैं इसको ढक के 5-7 मिनट के लिए और इसको पकाऊँगी। पैन डाल दिया थोड़ा सा गुड़ और उसको मिक्स होने दिया, और अब मैं गैस कर दूंगी बंद, और मैंने इसको धीमे आंच पर पकाया है। चिकन भी बहुत बढ़िया से भुन रहा है, देखिए कितना बढ़िया कलर इसके ऊपर आ गया है, और खुशबू तो आप जब बनाएंगे तो आप ही जानेंगे कितनी बेहतरीन खुशबू इसके अंदर से आ रही है। तो अभी इसके अंदर होगा टाइम कि मैं ये 3 ग्रीन चिलीज़ होल ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी, और इसको एक बार स्टर कर दूँगी अच्छे से, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और एक बार फिर मिक्स कर दूंगी, और इसको पकने दूंगी करीब 10 मिनट और चिकन बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा, स्पेशल स्प्रिंग अनियन विद चिकन। तो ये है हांडी स्प्रिंग चिकन का फाइनल लुक, और ये इतना बढ़िया बना है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप ज़रूर मेरे कहने से इस डिश को ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये डिश कैसी लगी, क्योंकि इसकी खुशबू, इसका रंग, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर मैंने एक और बोल में बची हुई जो क्रीम थी, फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैंने क्रीम सब बोल में डाल दी है, और इस पैक को मैंने ऊपर से कट करके इसको ऐसे रेक्टेंगल शेप में रख लिया, और एंड का पार्ट जो यहाँ का रह जाता है या साइड में, तो इस पर आप एक बार ये रोलर 2-3 बार कर दें और यहाँ तक करें तो सारा ये आ जाएगा, उसके बाद वापस आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा एम्प्टी कर सकते हैं और कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। तो ये डिश स्पेशली विमेंस डे स्पेशल ब्लॉग की है, मैंने आपको कहा था विमेंस डे स्पेशल ब्लॉग आने वाला है, तो ये रेसिपी मैं सब जो भी विमेन हैं उनको मैं डेडिकेट करती हूँ कि
इस फ्रूट क्रीम की जो मिठास है वो आपके जीवन में बनी रहे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने चीनी को पीस लिया है और अभी मैं इसको धीरे धीरे मिक्स करूँगी और साथ में इसके जाएंगे इसके अंदर जाएंगे जितने भी फ्रूट्स आप डालना चाहें, जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क डालिए, उसको मिला लीजिए और आपकी फ्रूट क्रीम तैयार हो जाएगी। और ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, मिल्क पीने में आनाकानी करते, तो उनको आप ये बना के दीजिए, दे आर गोइंग टू लव दिस रेसिपी। तो ये फ्रूट क्रीम आपके लिए मैं बनाने जा रही हूँ, इसकी रेसिपी आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो सारी मदर्स इसको ज़रूर ट्राई कर सकती हैं, अपने बच्चों को खिला सकती हैं बना के प्यार से, और फ्रूट्स के फ्रूट्स खा लिए जाएंगे और क्रीम मिल्क का मिल्क उनको मिल जाए। अब मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले क्रीम के अंदर मैं डालूँगी जो मैंने चीनी पीसी है, वो धीमे धीमे करके इसके अंदर हमें डालनी है और मिक्स करते जाना है। अब इसके अंदर जाएगा मिल्क विथ थोड़ा सा क्रीम, जो ये मलाई है ये भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी और अब वापस इसको मिक्स कर देंगे। अंदर बनाना डाल रहे हैं और रितिका हेल्प कर रही है मेरी। स्पेशल वुमेन्स डे स्पेशल व्लॉग पसंद आया होगा, जो मैंने रेसिपीज़ आपके संग शेयर की, तो उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है ज़रूर ट्राई करना और वीडियो पे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस देखना कैसा लगता है, हाउ डू यू लाइक माय रेसिपीज़ एंड व्हेन यू ट्राइड इट आउट हाउ इट केम आउट। एंड वंस अगेन अब मेरी तरफ से भी, इंडियन यूट्यूबर शाइनिंग की तरफ से भी, आप सभी महिलाओं को, ऑल द वुमेन, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। स्ट्रॉन्ग beautiful courageous women out there, and you are beautiful inside out, so take pride in being a woman who are strong enough, who are bold and beautiful, and are there to inspire each and every woman. You are blessed, you are God's own child, and you were fearfully and wonderfully made. Vlog ko main yahin par end karti hu, aur jab tak main na milu mujhe yaad karte rehna, duaon mein yaad rakhna. Milti hu aapse kal naye vlog ke sath. Till then take care. Bye-bye.